सो हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर देखने वाले हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये फुल चैप्टर एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। उससे पहले हम लोग देखते हैं ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री ने हमने क्या पढ़ रखा है ना। तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको वर्ड से क्लियर हो रहा है, इट हैज टू डायमेंशन। तो ये देख रहे हो, ये मैथमेटिकली आप टू डायमेंशन का फिगर समझ सकते हो, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखा है ना। तो इधर हो गया आपका एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस, यहाँ पर आपका ओरिजिन हो गया है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्स वाई प्लेन भी बोलते थे ये वाले प्लेन को, और इसको क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो सपोज कर लो कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया है 2, 3, ओके। जिसका एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग बोलते थे एब्सिसा, ये है 2, और ये हो गया आपका वाई का कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्डिनेट, है ना। अगर ये मैं बोलूं ये पॉइंट का आप इस प्लेन में पोजिशन बताओ, तो आप इजिली बता सकते हो, ओरिजिन से एक्स एक्सिस आपको एक्स कोऑर्डिनेट में देखोगे 2 यूनिट, यानी यहाँ पर कहीं आएगा, और y एक्सिस में देखोगे 3 यूनिट, यानी यहाँ पर आपको इसका पोजीशन पता चल गया p का 2, 3, जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपको पता था। तो यानी मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी पॉइंट का आपको पोजीशन इजीली आप बता सकते हो, बस आपको x का कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाए और y का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, मतलब इसका दो वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखो, टू डायमेंशनल प्लेन में अगर हम लोग कोई फिगर रखते हैं, सपोज ये ग्लास है, ठीक है, पहला वाला फिगर देखो टू डायमेंशनल प्लेन में है, यानी आप इस ग्लास का लेंथ बता सकते हो और ब्रेथ बता सकते हो, और यू कैन से लेंथ और विड्थ बता सकते हो। पर ये ग्लास तो एक थ्री डायमेंशनल फिगर है ना, इसका कुछ थिकनेस भी है ना। सो इसके लिए हम लोग को एक अनदर डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे जेड एक्सिस। तो ये आपको क्लियर हो रहा है कि टू डायमेंशनल फिगर में और ये थ्री डायमेंशनल फिगर में क्या डिफरेंस है। टू डायमेंशनल मतलब दो डायमेंशन होंगे, थ्री डायमेंशन मतलब तीन डायमेंशन हम लोग को लेना होगा, एक और डायमेंशन, बिकॉज ये ग्लास एक देख रहे हैं। ग्लास क्या है, ये थ्री डायमेंशन फिगर है, इसका कुछ थिकनेस भी तो होगा, है ना। अब देखो, इससे पहले आप लोग 2D और 3D शेप के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देखो, आप वॉल्यूम एंड सर्फेस से एक चैप्टर पढ़े थे मेंसुरेशन में, जिसका आपका डिफरेंट फिगर्स का वॉल्यूम सर्फेस एरिया निकालना सीखे थे, है ना। जैसे अगर मैं 2D शेप की बात करूं तो वो क्या क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है ना। और 3D शेप की बात करें तो ये हो गया आपका स्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, पिरामिड, सिलेंडर, आप ये देख सकते हो। तो ये क्लियर हो गया ना 2D और 3D शेप कैसा दिखता है, जैसे हमने ये ग्लास ऑफ वाटर का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया कि थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में हम लोग एक अनदर डायमेंशन इंट्रोड्यूस की है, दैट इज जेड एक्सिस, ओके। अब देखो, जैसे एक्स वाई प्लेन की हम लोग बात किए थे, तो इसमें क्या देखते हैं, ये दोनों जो कोऑर्डिनेट एक्सिस रहता था, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो एक अनदर एक्सिस लाएंगे जेड एक्सिस, वो भी तो परपेंडिकुलर रहेगा, सो वी कैन से दैट ऑल द थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आप इमेजिन करो, एक्स और वाई तो आपको क्लियर है, जेड एक्सिस कैसे रहेगा, है ना। तो देखो, वी आर लिविंग इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। अब ये कैसे हम लोग इमेजिन करें तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस को। आप रूम के कॉर्नर में देखो, ये रूम के कॉर्नर में इस तरह से आपको दिखता है, सपोज ये हो गया ओरिजिन, यहाँ पर देखो इस तरह से, इधर हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस, और इधर पे आप ले सकते हो एक जेड एक्सिस, है ना। तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा रहेगा, एक एक्स रहेगा, एक वाई एक्सिस रहेगा और एक जेड एक्सिस रहेगा, ओके। या फिर आप रूम के ऊपर में भी देख लो, इस तरह से तीन आपको, या तो आप रूम के कॉर्नर में भी देख सकते हो, या तो नीचे में या तो ऊपर में, तो आपको इस तरह से तीन एक्सिस आपको इमेजिन कर सकते हो कि एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई हो गया और एक जेड हो गया, ठीक है। तो आपने इसमें क्या देखा कि दीज थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब ये तो आप इमेजिन कर लिए कि रूम में इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस रहेगा, पर मैथमेटिकली हम लोग कैसे शो करें कि जेड एक्सिस कैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ओके। वर्टिकल जो है ब्लू वाला लाइन, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कैसा रहेगा, ठीक परपेंडिकुलर आगे की ओर, है ना, इधर, यानी ये हो गया आपका जेड एक्सिस।
तो ये क्लियर हो गया ना कि z एक्सिस अनदर डायमेंशन लिए थे, मैथमेटिकली हम लोग को इस तरह से इसको शो करना होगा, ठीक है। अब देखो ओरिजिन से अगर राइट हैंड साइड की ओर की आप देखो तो इसमें क्या देखोगे, x एक्सिस पॉजिटिव रहता है, x का कोऑर्डिनेट उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रहता है, और ओरिजिन से अगर हम लोग अपवर्ड जाए y एक्सिस में तो उधर पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव। उसी तरह से z एक्सिस में देखेंगे तो आगे की ओर पॉजिटिव और पीछे की ओर क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये क्लियर हो गया ना कि z एक्सिस कैसा आपको शो करना होगा थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में, है ना। अब यहाँ पर देखो अगर आप फ्रंट से देखोगे ना तो ये कुछ इस तरह से शेप आपको दिखेगा, है ना, जैसे आप रूम वाला एग्जांपल के कॉर्नर वाला में भी देखे, है ना। तो यहाँ क्या देखे, x एक्सिस इधर है, इधर y एक्सिस हो गया और इधर हो गया z एक्सिस, ऑल द थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। अब यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पर जैसे हम लोग एक्स वाई प्लेन में क्या पढ़े थे टू डायमेंशन ज्योमेट्री में, इट हैज फोर पार्ट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, चार पार्ट रहते थे। अब देखो एक अनदर डायमेंशन की वजह से ये क्या होगा, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री इट हैज एट पार्ट्स, क्या रहेगा, एट पार्ट्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट्स। जैसे इसमें चार पार्ट रहता था इसको क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें एट पार्ट्स है तो ये हो जाएगा ऑक्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट। अब ये एट पार्ट्स मुझे तो नहीं दिख रहा, अब ये कैसे देखें, है ना। तो यहाँ पर आप एक और मैं फिगर दिखाती हूँ, यहाँ पर देखो जैसे मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस जैसे हॉरिजॉन्टल, अपने अब ये देखो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो गया, वर्टिकल हो गया वाई एक्सिस, और आगे की ओर क्या है, जेड एक्सिस, है ना। तो उसी तरह x एक्सिस भी देखो, लाइट ग्रीन वाला जो आपको ये प्लेन शीट दिख रहा है, ये मान लो आपका x एक्सिस हो गया, जो पर्पल कलर का है वर्टिकल, ये आपको समझ लो y एक्सिस है, और आगे की ओर जो दिख रहा है ना ये वाला डार्क ग्रीन वाला, ये आपका z एक्सिस समझ लो। ये देखो ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, और आगे की ओर z एक्सिस। तो ये आपको इमेजिन कर पा रहे हो ना, अब देखो खुद आप समझ लो ओरिजिन पे आप खड़े हो, है ना, हॉरिजॉन्टली, अब हाथ ऐसे कर लो, हॉरिजॉन्टली ये हो गया आपका x एक्सिस, वर्टिकल हो गया y एक्सिस, और इधर पे हो गया z एक्सिस, है ना। तो उसी तरह एक प्लेन शीट ऑफ पेपर हम लोग रख दिए, तो इसमें देख रहे हैं कि एट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो देखो आगे की ओर चार है, वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, और ये हो गया फोर, है ना, आगे की ओर चार है, पीछे की ओर चार है, यानी ये हो गया फाइव, ये हो गया सिक्स, और इसके पीछे की ओर यहाँ हो गया सेवन, और ये फोर के पीछे में उधर हो गया एट, इसके पीछे में रहेगा ना एट। तो आपको ये क्लियर हो गया ना कि एट पार्ट्स रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स। तो ये क्लियर हो रहा, आप इमेजिन कर पा रहे हो, एट बॉक्सेस, चार आगे की ओर चार पीछे की ओर, है ना। अब देखो जैसे कि आप एक्स वाई प्लेन में देखे थे कोई भी पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट निकाल देते तो x और y बताते थे, अब यहाँ नया z एक्सिस भी तो आ गया तो हम लोग को z का कोऑर्डिनेट भी तो पता होना चाहिए। अब क्या रहेगा, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में, 3D में कोई भी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना होगा ना, तो आपको तीन कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, यानी x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, और z एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे। जैसे यहाँ पर देखो टू डायमेंशन ज्योमेट्री में आपने क्या देखा था कि ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें कि आपका x और y प्लस प्लस रहता था, इसमें रहता था माइनस प्लस, जैसे मैंने अभी बताया ओरिजिन से राइट हैंड साइड की ओर x एक्सिस पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ये तो आपको एंड आई होप मैं समझ सकती हूँ कि ये आपको याद होगा, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव और इधर पे हो गया प्लस माइनस, ठीक है। तो ये जो साइन है ना, बस आपको ये याद होना तो बाकी हम लोग ये सारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके जो भी पॉइंट्स होंगे वो इजीली आप उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर देखो जैसे हमने क्या देखा कि टू डायमेंशन ज्योमेट्री में चार क्वाड्रेंट रहते थे, ठीक है, और इसका डिफरेंट साइन रहता था अलग अलग क्वाड्रेंट पे। इन द सिमिलर वे थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में जैसे हमने देखा एट पार्ट्स थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट, तो इसके में इसमें भी क्या रहेगा, डिफरेंट साइन रहेगा एक्स और वाई और जेड कोऑर्डिनेट का, ठीक है। जैसे आप ये टेबल देख सकते हो, ये डिफरेंट ऑक्टेंट हो गया 1 2 3 4 5 6 अप टू 8, x y z ये डिफरेंट ऑक्टेंट में आइदर वो प्लस होगा या माइनस होगा, है ना।
तो ये मैं टेबल बोलूंगी, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे, तो देखो सिंपली अगर आपको ये याद है ना कि फोर क्वाड्रेंट में ये क्या क्या साइन है, तो आप इजिली थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में डिफरेंट पॉइंट्स का कौन सा ऑक्टेट में है वो आप इजिली बता सकते हो। कैसे, आप इमेजिन करो ये फिगर को, जैसे मैंने बताया हॉरिजॉन्टली जो है ये हो गया एक्स एक्सिस, वर्टिकली हो गया वाई एक्सिस, आगे की ओर हो गया जेड एक्सिस। यानी आप देख रहे हो चार बॉक्सेस आगे की ओर हैं, चार बॉक्सेस पीछे की ओर हैं। अब देखो आगे की ओर जेड है, यानी जेड आगे की ओर पॉजिटिव है, और पीछे की ओर क्या है, माइनस ऑफ जेड। इन द सिमिलर वे एक्स और वाई का तो आपको पता है, इधर प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है, और अपवर्ड में प्लस एक्स प्लस वाई, और इधर पे माइनस वाई, ये तो आपको पता है। सपोज कोई एग्जाम्पल से ही समझते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं 3, 2, 6, 2 और ये हो गया 3, ओके। और एक पॉइंट ले लेते हैं 6, -2, -5 सपोज कर लो, है ना। ये पॉइंट का आपको ऑक्टेंट बताना, तो सबसे पहले क्या देखो, कोई भी पॉइंट आपको ऑक्टेंट बताना हो ना कि कौन से ऑक्टेंट में, सिंपली क्या करो z का कोऑर्डिनेट देखो। z अगर प्लस है, यहाँ क्या देख रहे हैं 3 है ना, z अगर प्लस है यानी आगे की चार बॉक्सेस में होगा, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, ये आपको क्लियर हो गया है ना। अब देखो ये तो आपको पता चल गया, या तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो सकता है ना, आगे वाला चार बॉक्सेस में हो सकता है। अब देखो यहाँ देखो 6 और 2 कौन से क्वाड्रेंट, आप क्वाड्रेंट कौन सा पढ़े हो, फर्स्ट वाले में, यानी कि ये क्या है, ये जो गिवन पॉइंट है ये क्या है, फर्स्ट ऑक्टेंट में है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। देखो सिंपली कोई भी पॉइंट रहे, सबसे पहले z का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, प्लस है, यानी आगे का चार बॉक्सेस में हो सकता है, या तो 1, 2, 3 या तो 4, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखो जो x और y का कोऑर्डिनेट है ये क्या है, प्लस प्लस है, यानी यहाँ तो प्लस प्लस कौन सा भी होता था, फर्स्ट में ना, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑक्टेंट, क्लियर है। उसी तरह से ये वाला एग्जाम्पल देखो -5 है ना, -5 यानी आपको क्लियर हो रहा है पहला वाला चार ऑक्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी पहला वाला चार ऑक्टेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में z पॉजिटिव होगा, z आगे की ओर है और ये z पीछे की ओर की बात हो रही है, यानी 5, 6, 7, 8 ये कुछ हो सकता है, ये वाला की बात कर रही हूँ, है ना। तो ये तो आपको पता चल गया, आइदर 5 होगा, 6 होगा या 7 या 8। अब वो कैसे पता करें, ये देखो 6 और -2 यहाँ क्या है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस बताओ किसमें होता है, यहाँ पर आप ये देखो प्लस माइनस इसमें होता है आपका फोर्थ वाले में, यानी इसके पीछे क्या है, 8 है, यानी ये आपको पता चल गया दैट द गिवन पॉइंट इट इज इन 8 ऑक्टेंट। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ आप साइन में देखो, यहाँ आप टेबल में देखो, यहाँ देखो पहला, ये पहला चार को देखो, ठीक है, और ये वाला चार को आप देखो, देखो ये तो दोनों देखो, पहला चार में देखो और 5, 6, 7, 8 में देखो, दोनों में सिमिलर है x और y, यहाँ देखो प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये क्लियर है। अब देखो z क्या है, ये चार में पॉजिटिव और ये चार में नेगेटिव है ना, यानी कि अगर z आगे की ओर है चारों, तो यानी x z क्या होगा, प्लस प्लस, और z अगर पीछे की ओर है तो क्या होगा, नेगेटिव। जैसे मैंने बताया कोई भी पॉइंट रहे सिंपली z का कोऑर्डिनेट देखो, या तो वो प्लस है या तो वो माइनस है, प्लस है तो ये फोर ऑक्टेंट हो सकता है, और अगर माइनस है तो इनमें से कोई हो सकता है। अब इनमें से कौन सा होगा, उसके लिए तो आपको पता है x और y का कोऑर्डिनेट आप जानते हो, आप कोऑर्डिनेट वाला में पढ़े हो, है ना। क्लियर हुआ, अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइक, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला आप देखो, जैसे मैंने बताया कोई भी पॉइंट का क्या करना है, लास्ट वाला कोऑर्डिनेट देखना है, जेड कोऑर्डिनेट, ये क्या है बताओ, ये 3 है, यानी ये पता चल रहा है आगे वाला चार बॉक्सेस में हो सकता है, ये तो क्लियर है, यानी ये 1, 2, 3, 4 कुछ हो सकता है ना। अब देखो ये तो 5, 2 क्या है, प्लस प्लस है ना, यानी कि ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है, क्लियर हो रहा है। अब देखो फिर से ये सेकंड वाला एग्जांपल देखो, 3 है, यानी आपको ये पता चल गया ये क्या होगा, या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा या फोर्थ बॉक्स में होगा, ये चार हो सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। यानी पीछे 5, 6, 7, 8 ये तो डेफिनेटली नहीं है, ये क्लियर आप बता सकते हो। अब यहाँ देखो 5 और
फोर को देखो, माइनस है और प्लस है, माइनस फोर माइनस और प्लस किस में रहता है, यहाँ प्लस प्लस रहता था, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, और इधर पे प्लस माइनस। अब बताओ यहाँ क्या है, माइनस प्लस है ना, यानी माइनस प्लस तो यहाँ है, तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑक्टेंट। क्लियर हो रहा है? चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो माइनस फाइव, माइनस सेवन, माइनस फाइव और टू। फिर से देखो टू क्या है, z का कोऑर्डिनेट जो कि पॉजिटिव है, यानी आगे की ओर है। आपको ये पता चल गया आगे ये फोर हो सकता है ना। अब देखो माइनस माइनस ये किस में रहता है, थर्ड में, यानी ये हो गया थर्ड ऑक्टेंट। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखते हैं। ये देखो ये वन हो गया, टू थ्री, ये फोर, फोर नंबर। अब पॉइंट देखो क्या है, सेवन फोर माइनस थ्री है ना। z का कोऑर्डिनेट जैसे मैंने बताया, z का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस थ्री है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ये वन आगे की बॉक्सेस में तो बिल्कुल भी नहीं है। या तो ये फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है, सेवन हो सकता है, या तो ये एट हो सकता है ना। ये कैसे आपको पता चला, सिंपली z का कोऑर्डिनेट क्या देखे, माइनस है। अब यहाँ देख रहे हैं ये प्लस प्लस है ना, यानी प्लस प्लस कहाँ रहता है, फर्स्ट में प्लस रहता है, और फर्स्ट के पीछे में क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ वन है ना, इसके पीछे में क्या है, फाइव है, या टू है, इसके पीछे में क्या है, सिक्स है, यहाँ थ्री रहता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसके पीछे में क्या है, सेवन है, यहाँ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, इसके पीछे में क्या है, एट है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर आप देखो फर्स्ट के पीछे में क्या है, फाइव है, सेकंड के पीछे में सिक्स है, और थर्ड के पीछे में सेवन है, और फोर्थ के पीछे में एट है। ठीक है, तो जैसे फोर वाला कोऑर्डिनेट देखो माइनस थ्री है, यानी कि z का कोऑर्डिनेट माइनस थ्री है, यानी या तो फाइव सिक्स सेवन एट, ये चारों में कुछ हो सकता है ना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं ये तो प्लस प्लस है, सेवन और फोर, तो वन के पीछे वन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस प्लस उसके पीछे क्या है, फाइव है ना, तो ये हो गया आपका फिफ्थ ऑक्टेंट। क्लियर हुआ? कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो माइनस फाइव, माइनस फाइव यानी माइनस क्या है, z माइनस है, यानी पीछे की ओर, फाइव सिक्स सेवन एट है ना। तो देखो यहाँ माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस कहाँ रहता है, यहाँ पर आप देखो माइनस प्लस यानी सेकंड में रहता है, और z तो नेगेटिव है यानी पीछे की ओर, यानी ये है सिक्स्थ ऑक्टेंट। क्लियर हो रहा है? जितना भी ये पॉइंट्स में करा दिए ना, वीडियो पॉज करो, खुद से आप बताओ कि ये बताओ, ये वाला बताओ इसका कौन सा ऑक्टेंट होगा। यहाँ पर देखो माइनस टू है, माइनस है यानी z का कोऑर्डिनेट माइनस है, यानी पीछे वाले बॉक्सेस में होगा, या तो फाइव सिक्स सेवन एट है ना। अब देखो माइनस माइनस कहाँ पर रहता है, थर्ड में रहता है, थर्ड के पीछे कौन है, सेवन है, यानी सेवन ऑक्टेंट हो गया। ठीक है, यानी z जहाँ पीछे की ओर है, देखो इधर पीछे की ओर, यानी फाइव सिक्स सेवन एट में होगा है ना, और यहाँ माइनस माइनस से आपको पता चल जाएगा कि वो अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट के पीछे में क्या रहता है, सेवन, तो ये हो गया सेवन ऑक्टेंट है ना। अब यहाँ देखो फिर से, यहाँ पर देखो z आपका कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, यानी पीछे की ओर है, फाइव सिक्स सेवन एट होगा कुछ। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस कौन से कोऑर्डिनेट में रहता था बताओ, फोर्थ में रहता था, फोर्थ के पीछे क्या है, एट है, यानी ये हो गया आपका एट ऑक्टेंट। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर देखो फर्स्ट चारों ऑक्टेंट में हम लोग क्या देखे, पहला तीन में क्या देखे थे, z पॉजिटिव था है ना, प्लस प्लस था, यानी आगे वाला चार बॉक्सेस हो गया, और ये सारे में क्या देखे थे, फाइव सिक्स सेवन एट में z नेगेटिव था, z का कोऑर्डिनेट यानी फाइव सिक्स सेवन एट में कुछ होगा। क्लियर हो रहा है कि आप ऑक्टेंट कैसे इजिली बता सके, है ना। बस आप ये फिगर है ना, ये जैसे मैंने ये फिगर जो आप देख रहे हो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, तो बस इसको आप इमेजिन करना है कि हॉरिजॉन्टली आप खड़े हो, है ना, यहाँ खड़े हो, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस हो गया, वर्टिकल वाई एक्सिस हो गया, z एक्सिस ठीक सामने, तो चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इधर वन टू थ्री फोर, और उसके पीछे में भी चार, वन के पीछे, बस आपको याद रखना है, वन के पीछे फाइव है, टू के पीछे सिक्स है, थ्री के पीछे सेवन है, और फोर के पीछे क्या है, एट है। ठीक है, एंड आई होप ये सारे आप कभी भी कोऑर्डिनेट आए ना तो आप इजिली बता सकते हो, जैसे ये आप टेबल भी आप देख सकते हो, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर देखो क्या, देखो इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर यही पी पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है, ए बी सी।
सी, मतलब कि OA से लेके ये वाला A यूनिट है, OB ये है आपका स्मॉल B और ये हो गया C, ठीक है। तो ये आपको क्लियर विजिबल है ना, ये A है, ये B है और ये हो गया C, और इधर पे D पॉइंट, ये हो गया E और ये हो गया F, तो ये आपका सेंटर यहाँ ओरिजिन है, ठीक है। सो पॉइंट P, इसका आपको कोऑर्डिनेट क्या दिया है, ए बी सी, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स है ना, इसका आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ना। उससे पहले एक चीज और आप देख लो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया फ्रंट से आप देखोगे तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, है ना। यानी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो ये जो आपको प्लेन मिलेगा ना, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन, क्लियर है। और उसी तरह से y और z के बीच में ये वाला जो प्लेन आपको मिलेगा, ये हो गया आपका yz प्लेन, ओके। और इन द सिमिलर वे x और z के बीच में जो ये वाला प्लेन है, ये हो गया आपका xz प्लेन, क्लियर है। तो ये हो गया आपका तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज x और y और z, आपने जैसे देखा, और ये हो गया तीन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, दैट इज xy प्लेन, yz प्लेन एंड xz प्लेन, क्लियर है। चलो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ए बी सी डी ई एफ, ये सारे पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले ए पॉइंट को देखो, ए पॉइंट क्या कहाँ है, इट इज ऑन एक्स एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका जेड। तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस के ऊपर में ये पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है ना। तो यानी इसका आपको कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, यहाँ से देखो ओरिजिन से OA, ये ए यूनिट का डिस्टेंस है, तो ए जीरो जीरो बोल सकते हो, बिकॉज इट इज इन एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस में है, सो उसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ए जीरो जीरो, वाई और जेड तो कोऑर्डिनेट है नहीं, है ना, तो इसलिए हो गया जीरो जीरो, क्लियर है। अब देखो बी पॉइंट, बी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, बी पॉइंट कहाँ है देख रहे हैं, वाई एक्सिस में है, इट इज इन वाई एक्सिस, सो वाई का कोऑर्डिनेट रहेगा बी और एक्स और जेड तो जीरो जीरो रहेगा, क्लियर है, ठीक है। उसी तरह सी का कोऑर्डिनेट आप बताओ, सी बताओ यहाँ पर देखो, ये देख रहे हैं सी, इट इज इन जेड एक्सिस, सो आपका जेड का कोऑर्डिनेट हो गया स्मॉल सी, है ना, और एक्स और वाई तो कोऑर्डिनेट नहीं है, तो वो यानी जीरो जीरो है, तो ये हो गया सी, क्लियर हो गया। सो कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, आइदर वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, उस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट इस तरह से रहता है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं डी ई और एफ, आपको इसका पॉइंट भी कोऑर्डिनेट बताना है। देखो डी पॉइंट कहां पर है, देखो इट इज इन एक्स वाई प्लेन, हम लोग बोल सकते हैं डी इज इन एक्स वाई प्लेन, है ना, ये डी कहां पर है, एक्स वाई प्लेन में है, इसका आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है। देखो इस प्लेन में है ना, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जेड तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं, यानी z इक्वल टू जीरो होता है इन एक्स वाई प्लेन, ओके। और आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, z तो मिल गया जीरो, x और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, एक्स वाई प्लेन में z का कोऑर्डिनेट क्या रहता है, जीरो रहता है। अब यहाँ देखो OB इज इक्वल टू AD है, यहाँ मैं लिख देती हूँ OB इज इक्वल टू AD है, ठीक है, कितना यूनिट है देखो, AB डिस्टेंस B है ना, सो और एक चीज क्या देख रहे हैं, OA, OA इज इक्वल टू बी डी है, दैट इज ए यूनिट, एक मिनट, हाँ यहाँ देखो ये जो मैं लिखी हूँ ओ बी, देखो ओ बी है और ये AD, ये बी यूनिट का डिस्टेंस है, तो ये भी बी होगा, इधर ए है तो ये भी ए होगा, क्लियर हो रहा है। तो उसी तरह सो डी का पॉइंट आपको क्या मिल गया, ए बी जीरो, क्लियर है। यानी एक्स वाई प्लेन में जेड का कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा। इन द सिमिलर वे ई देखो कहाँ पर है, ई देख रहे हैं कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, तो सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज इन वाई जेड प्लेन। अब बताओ वाई जेड प्लेन में क्या कोऑर्डिनेट नहीं, एक्स नहीं, यानी एक्स इक्वल टू जीरो रहता है, यानी आपको एक्स का कोऑर्डिनेट तो मिल गया जीरो, है ना, और वाई और जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी सी, है ना। यहाँ पर देखो ई आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ सी ई इज इक्वल टू ओ बी, है ना, और इधर पे देखो ओ सी इज इक्वल टू बी ई, ओ सी इज इक्वल टू बी ई, ये क्लियर हो रहा है। देखो कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर पॉइंट बोला गया, जैसे ए बी और सी को आप देख रहे हो, ये तीनों को देखें, है ना, तो एक्स एक्सिस बोला गया है तो यानी बाकी कोऑर्डिनेट इसका जीरो जीरो होगा, वाई एक्सिस बोला गया है यानी एक्स और जेड जीरो होगा,
z एक्सिस है यानी x y जीरो होगा। यहाँ तक क्लियर है, ये आपको पता होगा जैसे हम लोग टू डायमेंशन ज्योमेट्री में भी देख चुके हैं, है ना। अब प्लेन की बात आती है, डी ई और एफ ये तीनों क्या है, प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में और एक एक्स जेड प्लेन में, है ना। अब देखो एक्स वाई प्लेन में है मतलब कि जेड का कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और बाकी पॉइंट्स लिख दो। उसी तरह एफ का बताओ, एफ कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, है ना। अब बताओ इसमें क्या जीरो होगा, वाई इक्वल टू जीरो होगा, वाई का कोऑर्डिनेट तो यहाँ है ही नहीं, यानी कि वाई जीरो, और ये इधर ए हो गया और इधर सी यूनिट हो गया। क्लियर हो गया, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए ए बी सी डी ई एफ। आई होप ये सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिखे हैं, है ना। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन रीड करो क्या है, एक बार मैं पॉइंट ये ठीक से लिख देती हूँ सो डैट आपको क्लियरली विजिबल हो, है ना। ए बी सी डी ई एफ और ये आपका पॉइंट हो गया पी, ठीक है। इसका आपको कोऑर्डिनेट लिख गया, हो गया ए बी सी, इधर बी यूनिट है, इधर ए यूनिट है और ये हो गया सी। क्लियर है, देखो ये पी पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना, ए बी सी क्यों है, बिकॉज ओ ए से लेके ये वाला ए यूनिट है, और अगर ओ बी आपका बी यूनिट है तो इधर भी बी यूनिट का डिस्टेंस हो गया, और इधर सी है तो पी डी परपेंडिकुलर है, है ना, तो वो भी सी यूनिट हो गया। समझ में आ गया ये पॉइंट कैसे लिखा गया। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बोला गया, क्या फाइंड आउट करना है, है ना। तो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। देखो क्या बोला गया, पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन है कहां पर, ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन देख रहे हो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन ये वाला है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है परपेंडिकुलर देख रहे हो, फिट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी डी पॉइंट है या ई है या एफ है, यानी आप देखो पी डी पी ई और देखो पी एफ आर परपेंडिकुलर ऑन दी कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्लियर हो रहा है, दैट इज एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड। तो ये आपको क्लियर हो गया ना, पी डी पी ई और पी एफ ये क्या है, परपेंडिकुलर है, कहाँ पर, परपेंडिकुलर प्लेन में, दैट इज एक्स वाई वाई जेड और ये हो गया एक्स जेड, है ना। अब आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो फिट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, फिट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी डी ई और एफ, इसका आपको पॉइंट निकालना है यानी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यहाँ पर देखो ये आपको क्लियर हो गया ना, डी ई और एफ ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, है ना। तो जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन में देखो, यहाँ तो सिंपली बोल दिया गया कि ये सारे पॉइंट्स का आपको निकालो, सो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, या तो आपको सिंपली दे दिया कि पॉइंट्स आप निकालो, पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, या फिर एक्स जेड प्लेन में, दैट इज डी ई एफ, है ना, उसका आपको कोऑर्डिनेट निकालने बोल दिया गया। या तो क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी पी कोई पॉइंट है, वहां से एक लाइन परपेंडिकुलर है, कहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये वाला प्लेन में, ये वाला प्लेन में और इधर वाला प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में, उसका आपको फिट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि डी पॉइंट निकालना है, ई पॉइंट निकालना है, एफ पॉइंट निकालना है। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यानी सिंपली बताओ डी पॉइंट है, इसका आपको कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपली देख रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन में है, जैसे मैंने अभी बताया एक्स वाई प्लेन में है तो जेड तो जीरो होगा, यानी ए बी जीरो, ठीक है, जैसे हम लोग प्रीवियसली यहाँ पर निकाले हैं, है ना। चलो अब ई का देखो, ई कहाँ पर देख रहे हैं, वाई जेड प्लेन में है, अब यहाँ पर बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई जेड प्लेन है यानी एक्स इक्वल टू जीरो है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया और बाकी बी सी। उसी तरह एफ बताओ, एफ कहाँ पर है देखो, एक्स जेड प्लेन में, यहाँ पर देखो वाई तो जीरो होता है तो वाई का कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया और बाकी ए सी। क्लियर हो गया ना। सो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने नहीं, बस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से क्लियर समझना है कि क्वेश्चन में आखिर बोला क्या जा रहा है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी आर ए बी सी, जैसे ये पॉइंट पी है, ठीक है, इसका आपको कोऑर्डिनेट है ए बी सी, ये आपका बी है, ये ए यूनिट है और ये हो गया सी, है ना। क्या बोला गया देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखो,
फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फिट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना था, यानी डी ई और एफ निकालना था। अब बोल दिया गया परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको निकालना है। परपेंडिकुलर लाइन क्या है बताओ, पी डी, ये परपेंडिकुलर है ये वाले प्लेन में, यानी पी डी और आपका पी ई हो गया और पी एफ, ये ई है, ये एफ है और ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो ये विजिबल है ना आप लोगों को, हाँ। चलो अब देखो क्या बोला गया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट पी से, एक लाइन परपेंडिकुलर है कोऑर्डिनेट प्लेन में, वो वाला लाइन का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यानी ये तीनों जो लाइन है आर परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, तो ये आपको डिस्टेंस फाइंड करना है पीडी का। सो बताओ ये पीडी किसके इक्वल है, पीडी आप बोल सकते हैं ओसी के इक्वल है। देखो ओसी कहाँ है, ओरिजिन से इधर, देखो ये सी यूनिट है, इससे इक्वल है ना, तो यानी ये हो गया आपका सी यूनिट, इसका डिस्टेंस क्लियर है। उसी तरह पीई देखो, ठीक है पीई देखो, ये देखो ये किसके इक्वल हो सकता है बताओ, ये ओए के इक्वल है, ये हो गया स्मॉल ए यूनिट है ना। देखो ओ ए आपका ए यूनिट था, ए पी ई भी तो वही है ना ए यूनिट। उसी तरह से पी एफ बताओ, पी एफ कहाँ है, देखो पी एफ, देखो ये पी एफ है ना, इसका आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये परपेंडिकुलर है ये वाले प्लेन में, एफ जेड एक्स जेड प्लेन में, तो यानी कि पी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया ओ बी विच इज इक्वल टू बी यूनिट। सो क्लियर हो गया, ये जैसे आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ओके जैसे मैंने बताया क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, बस क्या बोला जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला गया था निकालना है, एक कोई लाइन होगा कोई डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से कहाँ है, पॉइंट पी से प्लेन पे एक लाइन है, देख रहे हैं पी डी है, पी ई है और पी एफ है, ये लाइन है, इसी का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देख रहे हैं पी डी किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, जैसे यहाँ देखें ये हो गया सी यूनिट ए यूनिट और ये भी हो गया बी यूनिट, ठीक है। तो अभी मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ना अच्छे से समझना और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है ना। तो देखो क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट जैसे ये हो गया पी पॉइंट, इसको मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ दोबारा, सो डैट आपको अच्छी तरह से विजिबल हो, है ना। ये हो गया सी, ये हो गया ई है, ये डी है और ये एफ है, ओके ओके। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है ए बी सी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना था, कौन सा परपेंडिकुलर किस पे है, प्लेन पे है। अब क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं, ये है एक्स है, ये वाई है, ये जेड, यानी पॉइंट पी से, यहाँ देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी ए पॉइंट पर, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो ये वाला लाइन का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है पी ए, है ना। उसी तरह से यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं पी बी, ठीक है ये हो गया पी सी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ पी ए पी बी और पी सी आर दी। सो यही आप बोल सकते हो डैट पी ए पी बी एंड पी सी आर दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका क्या है, देख रहे हो ओ एक्स है, ओ वाई है, ओ जेड है ना। तो यही आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पी ए पी बी और पी सी का, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है, मतलब कि आपको ए पी या फिर आप पी ए का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। तो ए पी ही लिख देते हैं। अब देखो ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इन ट्राइंगल ए पी डी,
ठीक है, ए पी डी ये क्या देख रहे हैं, एक राइट हैंड ट्राइंगल है ना, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग पी ए डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। तो ए पी इज इक्वल टू, बताओ पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेनस हो गया, ये किसके इक्वल होगा, रूट ओवर, आप बोल सकते हो ए डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, या लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब बताओ ए डी का आपको डिस्टेंस क्या पता है, यहाँ देख रहे हैं ओ बी, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो OB is equal to AD, ये देख रहे हो ये B unit है, तो यानी ये भी B unit का distance है। अब देखो PD का आपको distance चाहिए, तो PD किसके equal है, OC के, यहाँ बोल सकते हैं OC is equal to PD, okay? अब देखो AD यानी कि ये हो गया B square और इधर पे हो गया C square, यानी कि आपको AP का आपको distance मिल गया, जैसे कि आपको question में बोला गया था that is root over B square plus C square। तो ये question बहुत ही ज्यादा important है, आप अच्छे से ध्यान से समझना कि क्या बोला जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी पीए बताना है, पीबी बताना है, पीसी बताना है, राइट हैंड ट्रायंगल हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, है ना। अब बताओ ये वाला, ये देखो पीबी, पीबी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, रूट ओवर, देखो यहाँ पर देखो ये हो गया पी डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर बोल सकते हैं, PD बताओ ये क्या है, अभी तुरंत निकाले हैं, which is equal to C, यहाँ तो simply C square लिख दिए, अब BD बताओ किसके equal है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखो OA is equal to हम लोग BD बोल सकते हैं, ये A unit है, तो इधर भी A unit हो गया, यानी कि ये A square, simple है, okay? अब next हम लोग और एक चीज क्या बच गया, PC बच गया, तो ये PC भी निकाल लेते हैं, root over क्या लिख सकते हैं बताओ, ये PC आप देखो ये right hand triangle दिख रहा है, या मैं ट्रायंगल भी मेंशन कर देती हूँ, इन ट्रायंगल, ये देखो पी बी डी, क्लियर है, ठीक है, ये विजिबल है ना आप लोग को, और पीसी में देखो यहाँ पर ले लेते हैं इन ट्रायंगल पी सी एफ, है ना, यहाँ बताओ पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ बोल सकते हो आप सी एफ स्क्वायर प्लस ये वाला पी एफ स्क्वायर, है ना, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी एफ क्या है, देखो ये वाला ये किसके इक्वल है, बताओ इक्वल है विच इज इक्वल टू ए यूनिट है, तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर, उसी तरह पी एफ, ये देखो पी एफ किसके इक्वल है, बताओ पी एफ ये वाला किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ओ बी के, है ना, दैट इज स्मॉल बी, है ना, ये हो गया बी स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हो गया आपका तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, तो बस देखो ओरिजिन से लेके जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, ए यूनिट है, बी यूनिट है, बस सी यूनिट है, बस उसी तीन पॉइंट से आप देखो बाकी सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट का कोऑर्डिनेट इजिली फाइंड कर पा रहे हो ना, ठीक है। एंड आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन जो बताया ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला जो परपेंडिकुलर है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, प्लेन में परपेंडिकुलर है, या फिर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जैसे फिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना था प्लेन पे, है ना, यहाँ पर फिट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना था, और ये सारे पॉइंट्स बताना था, तो ये सारे जितने भी तीन चार क्वेश्चन थे आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो समझ गए ना उसके बाद आपको बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो डिस्टेंस प्रॉब्लम, जैसे कि कोई दो पॉइंट रहता था, अब उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे ना टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इन द सिमिलर वे थ्री डायमेंशनल में भी सेम उसी तरह है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट ऐड हो गया है, दैट इज जेड, नया डायमेंशन है तो बस जेड एक्स्ट्रा आ जाएगा, दैट इज जेड टू माइनस ऑफ जेड वन स्क्वायर, बाकी उसी तरह से रहेगा, ठीक है। जैसे दो पॉइंट ले लिए पी और क्यू, सो इसका इन दोनों पॉइंट का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इट इज इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, कैसे, आपको पता है कि तीन कोऑर्डिनेट है तो जाहिर से बात है इट इज इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, है ना, इसका आपको डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, क्लियर है। अब आगे देखते हो, O इज द ओरिजिन, सपोज कोई बोल दिया गया कि पॉइंट एक जो है वो ओरिजिन पे है और दूसरा वाला पॉइंट एक्स वाई जेड है, है ना, तो ये दो पॉइंट OP का आपको डिस्टेंस, यानी कि दूसरा वाला कोऑर्डिनेट O का आपको कोऑर्डिनेट तो जीरो जीरो है, है ना, तो इसका आपको डिस्टेंस क्या मिल जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर है। तो बहुत इजी है डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप पहले पढ़ चुके हो, बस एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट ऐड हो गया है जेड,
दैट इज जेड टू माइनस जेड वन. ओके सो अब है नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेक्शन फॉर्मूला भी सिमिलर उसी तरह है जैसे आप सेक्शन फॉर्मूला पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो. बस ये है इसमें डिफरेंस कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में है, यानी एक्स्ट्रा एक कोऑर्डिनेट ऐड हो गया, दैट इज जेड जेड वन और इसमें जेड टू, है ना. तो यहाँ भी देखो सपोज कोई पी और क्यू कोई दो पॉइंट ले लेंगे, इसका आपको कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन और इसका पॉइंट है एक्स टू वाई टू और जेड टू, है ना. तो यहाँ पर सपोज कर लो कोई आर एक पॉइंट है, ठीक है, आर इज द पॉइंट विच इज विच डिवाइड्स द पॉइंट पी एंड क्यू इन द रेशियो एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है, तो आर का आपको कोऑर्डिनेट बताना है. तो बाय यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन और डिवाइड बाई एम प्लस एन. ठीक है, ये हो गया. इन द सिमिलर वे ये हो गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन और एक्स्ट्रा जेड आ गया है तो एम जेड टू प्लस एम जेड वन, है ना. तो देखो पहले की बात करें टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल बस एक ही डिफरेंस है, बस ये एक्स्ट्रा जेड कोऑर्डिनेट इसमें इंक्लूड किए हैं और रेशियो क्या है एम इज टू एन. ओके तो ये क्लियर हो गया ना. तो ये हो गया आपका फॉर इंटरनल डिवीजन, है ना, आर यानी पी और क्यू के इंटरनल डिवाइड कर रहा है आर पॉइंट. ओके अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं. यहाँ पर देखो जैसे कि हम लोग कोई दो पॉइंट लिए थे पी और क्यू, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू. जैसे प्रीवियसली अगर आपको ये नहीं पता है कौन से रेशियो में डिवाइड करता है तो हम लोग एम इज टू एन ले लेते हैं और उससे ये आपका सेक्शन फॉर्मूला मिल गया, है ना. अगर सिंपली आपको पता है डैट इट डिवाइड इन द रेशियो वन इज टू वन, यानी कि ये आपको सिंपली पता चल रहा है दैट आर इज द मिड पॉइंट और यू कैन से मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना. जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था, जो भी कोऑर्डिनेट रहते थे एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू करते थे, सेम वही है ना. बस जेड वाला कोऑर्डिनेट जैसे मैंने बोला ऐड हो गया है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो जेड वन प्लस जेड टू बाई टू, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोलते हैं. क्लियर है. इट मीन्स दैट आर पॉइंट है वन इज टू वन के रेशियो में दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, पी को और क्यू को. क्लियर है. अब जैसे हम लोग सो यहाँ पर देखो ये जैसे हम लोग देखे थे इंटरनल डिवीजन, है ना. अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल डिवीजन. सिमिलर इसमें भी बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो सपोज करो पी और क्यू दो पॉइंट है, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है. इंटरनल डिवीजन में क्या देखे थे, यहाँ आर कोई पॉइंट रहता था. अब एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है कि पी और क्यू को इधर हम लोग प्रोड्यूस कर दिए और यहाँ पर कहीं आर पॉइंट है, एक्सटर्नली ये दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है. ऑन डैट केस आपका आर का अगर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हो गया आपका एक्सटर्नल डिवीजन, है ना. तो सिंपल इंटरनल और एक्सटर्नल में एक ही डिफरेंस, एक्सटर्नल डिवीजन कभी भी रहेगा तो सिंपल माइनस कर दो, है ना, एम एक्स टू माइनस ऑफ एन एक्स वन डिवाइड बाई एम माइनस वन एम माइनस एन. इधर देख रहे हो माइनस, तो देख रहे हो माइनस. और इंटरनल डिवीजन में यहाँ पर देख रहे हो प्लस रहता था. ठीक है, तो ये दोनों में बस ये डिफरेंस था. तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा. डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो गया, ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का, ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला और ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन. ओके और ये अब है नेक्स्ट सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल. अब यहाँ देखो जैसे ये ट्राइंगल है, ये एक मीडियन है ना, ए बी सी, आपको तीन पॉइंट दे दिए. ये जो ट्राइंगल है ना, ये देखो ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में आपको कोऑर्डिनेट से ही पता चल रहा है. देखो ए का कोऑर्डिनेट है, ये हो गया बी का कोऑर्डिनेट और ये हो गया सी का पॉइंट, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, है ना. तो यहाँ देख रहे हैं एक्स वन वाई वन है, जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू, ये यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, इसका सेंट्रॉयड होगा. ठीक है, इसका अगर आपको सेंट्रॉयड निकालना है इस ट्राइंगल का, तो वो क्या होता है, x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, z1 plus z2 plus z3 by 3. क्लियर है. तो ये आपका सेंट्रॉइड हो गया इस ट्राइंगल का, तो इस तरह से निकलेगा. और वन मोर थिंग, ऑलवेज रिमेम्बर ट्राइंगल में ये जो सेंट्रॉइड रहता है इट ऑलवेज डिवाइड इन 2 इज टू 1 रेशियो. ये जो लाइन है मीडियन है इसको 2 इज टू 1 के रेशियो डिवाइड करता है. ठीक है, तो ये रेशियो आप कभी मत भूलना, कभी क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप याद रखना 2 इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करता है. ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, देखो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट दे दिया और आपका जेड, ये तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया, सिंपल सेंट्रॉइड बोल दिया गया, तीनों को
क्या करो, एक्स के कोऑर्डिनेट को ऐड करो बाय 3, वाई के कोऑर्डिनेट को ऐड करो बाय 3, जेड के कोऑर्डिनेट को ऐड करो बाय 3। वैसे हम क्वेश्चंस में देखेंगे ना, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एंड आई होप ये सारे फॉर्मूलाज भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी जैसे करवा दूंगी आरडी शर्मा बुक के, जितने भी चैप्टर्स है आप प्रीवियसली देख लेना, सारे चैप्टर्स के लगभग मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, वो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन, जैसे यहाँ देख रहे हैं ए बी सी, ये तीन आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, फोर्थ वर्टेक्स यू हैव टू फाइंड आउट दैट इज डी, है ना। तो यहाँ फिगर बना लेते हैं, यहाँ पर देखो ये हो गया ए बी सी एंड डी, है ना। इसका कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 3-1 and 2, और इधर पे है 1-2 -4। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 1 और 2, और आपको बी का कोऑर्डिनेट तो फाइंड आउट करना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द फोर्थ वर्टेक्स बी एक्स वाई एंड जेड, है ना। देखो फोर्थ वर्टेक्स आपको फाइंड आउट करना है, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लेट कर लिए। अब कैसे फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर देखो दो डायगनल भी तो होगा, ए सी और ये हो गया बी डी, ठीक है। देख रहे हैं ये एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, जिसका दो डायगनल क्या है, एसी एंड बीडी आर दी डायगनल्स। यहां लिख देते हैं एसी एंड बीडी आर दी डायगनल्स, ठीक है। तो यहां पर कोई पॉइंट होगा पी, ओके। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पी पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ दी बोथ दी डायगनल, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखो पी पॉइंट निकालते हैं, एज P is the midpoint of AC. तो देख लो ये जो P point है, दोनों ये midpoint है और both the diagonal AC का भी BD का भी। तो हम लोग AC से midpoint formula use करके P point निकालते हैं, फिर BD का निकालते हैं, फिर हम लोग equate कर देंगे तो x y z हम लोग का निकल जाएगा। Clear हो गया? क्या मैं बोल रही हूँ? तो यहाँ मैं find out करके आपको clear बता देती हूँ। देखो AC and BD जैसे मैंने बोला कि दो diagonal है, P is the midpoint of AC. By using the midpoint formula, बताओ P का coordinate क्या हो जाएगा? 3-1 क्या होता था? Midpoint formula भी याद करो, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, z1 plus z2 by 2, है ना? 3-1 by 2 कर देते हैं, उसी तरह से -1 plus 1 by 2 हो जाएगा, और इधर पे 2 plus 2 by 2, clear है? तो यानी P पॉइंट आपको क्या मिल गया, P का कोऑर्डिनेट बताओ 2 by 2 डेट इज 1, 0, और इधर हो गया 4 by 2 डेट इज 2, ओके। एज AC इज द डायगोनल एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो वी गेट P कोऑर्डिनेट 1, 0, 2, क्लियर है। अब देखो P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD, BD का भी तो मिड पॉइंट है, तो उससे भी तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला से आपको P का कुछ पॉइंट मिलेगा। B का कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ लिख देते हैं 1, 2 -4, और D का कोऑर्डिनेट क्या था, xyz, है ना। तो आपको P का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बताओ, 1 plus x by 2, और इधर पे 2 plus y by 2, ठीक है, और इधर पे -4 plus z by 2, क्लियर हो गया। ये आपको P का पॉइंट मिल गया, as P is the midpoint of diagonal BD also। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो P point है, ये दोनों तो same ही है ना, P point, तो यानी हम लोग दोनों को equate कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 plus x by 2 equal to 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 1 plus x by 2 equal to 1, है ना, और इधर पे 2 plus y by 2 equal to 0, 2 plus y by 2 equal to 0, और z का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, -4 plus z by 2, -4 plus z by 2, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, क्लियर है। इससे हम लोग x, y, z तीनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। x बताओ क्या हो जाएगा, 2-1 डेट इज 1, ठीक है, और y बताओ क्या हो जाएगा, 0 -2, यानी y की वैल्यू -2 आ गई। इधर देखो z क्या आ जाएगा, 4 और +4,
दैट इज जेड इज इक्वल्स टू 8, यानी एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू आपको पता चल गया, दैट इज 1 माइनस ऑफ 2 एंड 8, यानी आपको डी का कोऑर्डिनेट मिल गया, दैट इज फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये तो आपको फाइंड आउट करना था, फोर्थ वर्टेक्स, ओके, सो ये हो गया आपको फोर्थ वर्टेक्स, जैसे कि आपको फाइंड आउट करना था, है ना, एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. देखो तीन वर्टेक्स गिवन था, चौथा वर्टेक्स आपको फाइंड आउट करना था, है ना, तो देख रहे हैं कि दो डायगोनल है और पी मिड पॉइंट है एसी का भी बीडी का भी, तो जब एसी का मिड पॉइंट है तो उस केस में आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लिए, बीडी का मिड पॉइंट है तो ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया, दोनों को इक्वेट कर दिए, वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, दैट इज द फोर्थ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ देखो क्या है, यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द थ्री पॉइंट ए बी सी, ये तीन पॉइंट है जिसका कुछ कोऑर्डिनेट गिवन है, आर कोलिनियर, क्या बोला गया है, आर कोलिनियर. सबसे पहले ये वर्ड देखो, कोलिनियर क्या होता है, मतलब कि ये तीनों पॉइंट इट लाई इन द सेम लाइन, और यू कैन से इट लाई इन द सेम रो, मतलब ये तीनों पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम लाइन में होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है. वो कैसे बताएंगे कि दीज थ्री लाइन्स आर कोलिनियर. अब देखो कोलिनियरिटी प्रूफ करने का कभी भी पॉइंट्स का, इसका दो मेथड है, एक मेथड है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें तो जैसे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला बोला गया है तो मैं दोनों बता देती हूँ. तो देखो कभी भी अगर बोला गया, अगर कभी भी सिंपल दे दिया गया प्रूफ दैट द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर और बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, उस केस में आप क्या करोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालना, फिर ए सी निकालना, उसमें क्या देखोगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा, तो इससे आपका प्रूव हो जाएगा दैट दीज थ्री लाइन आर कोलिनियर बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. अब ये ए बी क्या है पता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला अभी मैं तुरंत में बताई, रूट ओवर वाला, ये वाला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ए बी का, फिर बी सी का, फिर क्या देखेंगे, सम ऑफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आएगा, तो उसमें हम लोग लास्ट में बस लिख देंगे दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर. क्लियर है, ये रही बात आपका कब की, जब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तब. अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, यूजिंग दी सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो तीन पॉइंट हो गया ना, सो बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला हम लोग कोलिनियरिटी कैसे बताएंगे कोई तीन पॉइंट का, तो सिंपल क्या कर लेंगे, कोई सी को कोई पॉइंट ले लेंगे ए बी के बीच में, बोल देंगे दैट सी डिवाइड्स द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो के इज टू 1, है ना, तो यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं सी डिवाइड, देखो सी का आपको कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो एन इज टू एन के रेशियो में जैसे रहता था, तो कभी भी रेशियो अगर गिवन नहीं हो तो हम लोग ऑलवेज के इज टू 1, रेशियो फाइंड आउट करना हो तो कभी भी के इज टू 1 करके लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो k into 1 हो गया, that is k plus रहता था 1 into minus of 2 और divide भी क्या रहता था k plus 1, है ना. अब इधर पे भी देखो y का coordinate बताओ, k into 2 यानी 2k और इधर पे plus 1 into 3 that is 3 और divide by k plus 1, clear है. अब देखो k into 3 that is 3k और plus 1 into 5 that is 5 और divide by k plus 1, ठीक है, तो ये आपका सी का कोऑर्डिनेट मिल गया ना बाय यूजिंग दी सेक्शन फॉर्मूला, है ना. अब देखो सी का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी गिवन है, क्या है, 7 0 और माइनस 1, है ना, तो हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, ये एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 7 है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये वाला आपको सी का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, के माइनस ऑफ 2 मिलेगा ना डिवाइड बाई के प्लस 1, इधर पे देखो 2k प्लस 3 डिवाइड बाई के प्लस 1 और इधर पे क्या है 3k प्लस 5 डिवाइड बाई के प्लस 1, है ना, तो x का, सो यहाँ देखो बाई यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला आपको c का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है. अब देखो c का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी गिवन है ना 7 0 और माइनस 1, तो यहाँ देखो y का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है, तो हम लोग ये यहाँ y का कोऑर्डिनेट क्या आया है 2k प्लस 3 डिवाइड बाई के प्लस 1 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों तो c का ही कोऑर्डिनेट है, इक्वेट कर सकते हैं ना, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी, रेशियो मिल जाएगा, है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं देखो 2k प्लस 3 और डिवाइड बाई k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू आपको क्या मिल गया, सॉल्व कर लेते हैं k इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ 3 बाई 2, है ना. अब देखो
ये देखो k की वैल्यू माइनस ऑफ 3/2 आ गई ना, उसी तरह से x का कोऑर्डिनेट को भी आप इक्वल टू 7 करोगे ना, तो उसमें भी क्या देखोगे कि k का वैल्यू यही आएगा, या फिर आप z का कोऑर्डिनेट भी इक्वल टू -1 करोगे तब भी k का कोऑर्डिनेट वही आएगा, है ना। या फिर आप सिंपल आप ऐसा भी कर सकते हो कि k तो निकल गया है, आप k को क्या करो इसमें पुटअप करके देखो, ये जो आपका x और z का कोऑर्डिनेट है ना, तो पुटअप करते हैं। यहाँ देखो क्या था x का कोऑर्डिनेट, x -2 डिवाइड में k +1 था ना। अब यहाँ देखो k की वैल्यू हम लोग क्या निकाल रहे हैं, -3/2, -2। सॉल्व करते हैं, इधर हो गया -3/2 +1। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा, और -3 और इधर -4, 2 2 तो कैंसिल हो गए, -3 और +2, -7, और नीचे आ गया -1 विच इज इक्वल टू 7। यानी एक्स का कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया है, एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया है 7, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं सी का कोऑर्डिनेट 7 ऑलरेडी है ना। यानी कि हम लोग जो के का वैल्यू निकाले ये सही है। इन द सिमिलर वे जेड का कोऑर्डिनेट भी हम लोग चेक कर लेते हैं, जेड का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, ये जो बाई यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले, 3k+5/k+1, यहाँ पे लिख लेते हैं 3k+5/k+1। k की जो वैल्यू है इसमें पुट अप करो वैल्यू, -3/2 पुट अप करते हैं, +5 और डिवाइड बाई क्या है, तो देखो -3/2 और +1। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो ये हो गया -9 और +10, और 2 2 तो कैंसिल ही हो गया, इधर पे देखो -3 +2, है ना। तो ये क्या आ गया देखो, 1/-1 विच इज इक्वल टू -1, तो देख रहे हो। सो यहाँ पर देखो z का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, दैट इज -1, है ना। तो z का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी -1 क्वेश्चन में भी गिवन था, मतलब कि आप बोल सकते हो दैट द पॉइंट c इट लाइज ऑन द लाइन AB, ठीक है। तो आप लास्ट में बस लिख दो यहाँ पर द पॉइंट c डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो, रेशियो भी तो आप निकाल लिए हो, और इन द रेशियो क्या है, -3:2 ए बी सी आर कोलिनियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो सेक्शन फॉर्मूला अगर कभी भी गिवन हो दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूफ करना है, तो क्या होता रहोगे कि एक पॉइंट ले लेना, ले लेना कि सपोज इट डिवाइड इन द रेशियो k:1, तो बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला हम लोग को कोऑर्डिनेट मिल गया। अब देखो यहाँ पर देखो y का कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो हम लोग y का कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 करके आपको रेशियो मिल गया। अब ये k की वैल्यू क्या करो, x और z का कोऑर्डिनेट में पुट अप करो, उससे देखो क्या c का जो पहले कोऑर्डिनेट था वही आ रहा है। अगर वही आ रहा है तो सिंपली आप बोल दो दैट इट लाइज इन द लाइन एंड इट डिवाइड इन द रेशियो, जैसे k की वैल्यू निकाले 3:2, और लास्ट में लिख देना दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। और अगर सेक्शन फॉर्मूला से नहीं दिया हो और तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हो, जैसे मैंने बताया ए बी डिस्टेंस निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर ए सी निकालो, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आएगा। ये हो गया बाई यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। रेशियो इन विच द जॉइन ऑफ ए बी इज डिवाइडेड बाय द प्लेन, प्लेन का आपको इक्वेशन गिवन है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, है ना। तो यहाँ पर देखो कोई दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, इसका आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या बोला जा रहा है, ये ए बी जो आपका पॉइंट है इसको एक प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज कर लो ये सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो ये सी के पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, और रेशियो भी फाइंड आउट करना है। तो रेशियो हम लोग क्या लेते हैं, k:1 ले लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी रेशियो जब भी फाइंड आउट करना होगा ना, तो k:1 करके ले लेना रेशियो, है ना। सो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो सी पॉइंट आपको निकालना है, और ये k:1 रेशियो हमने लेट कर दिया, और ए और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या है, -2 है, 3 5 है, और इधर पे क्या है, 1 2 3, ठीक है। तो बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला आप बताओ सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, बाय
सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सी का आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, देखो के इंटू वन और प्लस वन इंटू माइनस टू डिवाइड बाई के प्लस वन, ये हो गया एक्स का कोऑर्डिनेट। वाई का देखो के इंटू टू डेट इज टू के प्लस थ्री डिवाइड बाई के प्लस वन, और जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा थ्री इंटू के और प्लस फाइव डिवाइड बाई के प्लस वन। क्लियर है? तो ये आपका सी का कोऑर्डिनेट मिल गया बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, है ना। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है सी, इट लाइज इन द प्लेन, आप बोल सकते हो। इट मीन्स दैट द गिवन पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट ये सेटिस्फाई करेगा वो प्लेन का इक्वेशन को, समझ रहे हो। देखो क्या क्वेश्चन में बोला गया था, ए और बी कोई दो पॉइंट है, एक प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है ये दो पॉइंट को, सी पॉइंट ले लिए थे वो पॉइंट, है ना। मतलब कि सी lies in the plane and it satisfy the equation, है ना। और आपका equation क्या आएगा 2x plus 2y minus of 2z equal to 1, है ना। x का value आप ये put up कर सकते हो, क्या है k minus 2 divide by k plus 1 plus 2 into y, y क्या है 2k plus 3 divide by k plus 1। question clear हो रहा है ना, और इधर पे माइनस है प्लस टू इंटू जेड क्या है, जेड का कोऑर्डिनेट थ्री के प्लस फाइव और डिवाइड बाई के प्लस वन, ठीक है, विच इज इक्वल टू वन। तो ये होल इक्वेशन को आपको सॉल्व करके आपको के का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब कि आपको रेशियो मिल जाएगा, है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा टू के माइनस ऑफ फोर के प्लस वन, आप एलसीएम ले लो, और इधर पे देखो क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू से, दैट इज फोर के और प्लस सिक्स, और इधर पे माइनस ऑफ सिक्स के और माइनस ऑफ टेन एंड विच इज इक्वल टू के प्लस वन, बोल सकते हो। इसको सॉल्व करो, देखो क्या है, यहाँ पर देखो के ऐड करते हैं, फोर के प्लस टू के सिक्स के और ये सिक्स के कैंसिल आउट हो गया, है ना। देखो ये सिक्स के और ये माइनस ऑफ सिक्स के, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये सिक्स के और ये माइनस ऑफ सिक्स के। इधर पे देखो ये भी सॉल्व कर लेते हैं, देखो माइनस ऑफ फोर और प्लस सिक्स दैट इज प्लस टू और माइनस ऑफ टेन यानी कि माइनस एट, है ना। तो माइनस एट इज इक्वल टू क्या आ गया के प्लस वन, यानी के की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल गया माइनस एट और माइनस वन दैट इज माइनस ऑफ नाइन, है ना। तो रेशियो आपको सिंपल मिल गया, जैसे रेशियो हम लोग क्या लेट किए थे के इज टू वन, है ना। तो कभी भी रेशियो आएगा ना आपको फाइंड आउट करना, हमेशा के इज टू वन करके ही आप लेट करना, ठीक है। तो आपको रेशियो मिल गया डैट सी, यहाँ पर लिख देते हैं सी डिवाइड्स ए बी इन दी रेशियो, के इज टू वन था तो के की वैल्यू यहाँ पर नाइन मिल गई, डेट इज नाइन इज टू वन, ठीक है। तो अगर सपोज कर लो के का वैल्यू फ्रैक्शन में रहता, थ्री बाई टू रहता, है ना, तो आपको रेशियो क्या मिल जाता है थ्री इज टू टू, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आ गया आपका रेशियो के की वैल्यू तो आप थ्री इज टू टू आपका रेशियो हो जाएगा। इसमें के की वैल्यू तो नाइन आ गई है और के इज टू वन लेते हैं तो नाइन इज टू वन, ये आपका रेशियो फाइंड आउट हो गया, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्या है, ऑल्सो फाइंड दी पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी सी का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सी का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर लिए है ना, निकाले हुए, बस के का वैल्यू आप यहाँ पुट अप कर दो एंड यू गेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो सी का कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सी का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, के की वैल्यू नाइन है, नाइन पुट अप करते हैं, नाइन माइनस ऑफ टू और डिवाइड बाई नाइन प्लस वन, नाइन माइनस टू डिवाइड बाई नाइन प्लस वन। उसी तरह से वाई का कोऑर्डिनेट देखो टू के प्लस थ्री बाई के प्लस वन था, यानी कि टू नाइन प्लस थ्री डिवाइड बाई नाइन प्लस वन। जेड का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, थ्री थ्री के प्लस फाइव, है ना, के की वैल्यू नाइन है और प्लस फाइव और डिवाइड बाई नाइन प्लस वन, ठीक है। तो आपको सी का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया सेवन बाई टेन और इधर पे एटीन प्लस थ्री डेट इज ट्वेंटी वन बाई टेन और इधर पे ट्वेंटी सेवन और प्लस फाइव, है ना, यानी कि थर्टी टू बाई टेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन मिल गया डेट इज कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यहाँ पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मिल गया था के का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है। तो देखो दो पॉइंट दे दिया गया था, प्लेन बोला गया था इस पॉइंट को,
इंटरसेक्ट करता है कुछ पॉइंट पर, डिवाइड करता है कुछ रेशियो में, और हम लोग सपोज कर लें सी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और कौन से रेशियो में कर रहा है, तो रेशियो ऑलवेज के इज टू वन ले लेना, है ना। तो बाई यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला आपको सी का कुछ कोऑर्डिनेट मिल गया। अब देखो सी जो पॉइंट है, इट लाइज इन द प्लेन, मतलब कि इट मस्ट सेटिस्फाई, द पॉइंट सी मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो सिंपल एक्स वाई का और जेड का कोऑर्डिनेट को हम लोग इक्वेशन में पुट अप किए एंड वी गेट द रेशियो, के का वैल्यू मिल गया, है ना, रेशियो मिल गया। अब के का वैल्यू मिल गया तो आपको सी का कोऑर्डिनेट आप बता ही सकते हो, ठीक है। एंड आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा, सारा जितने भी अभी तक मैं क्वेश्चंस कराई, और ये चैप्टर भी आपको अच्छे से जरा समझ में आ गया होगा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। इफ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, ओके। और टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो जाओ, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड कीप प्रैक्टिस, तब तक के लिए बाय।